अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूं तू आप ही बोल। अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर मुश्किल हर मुसीबत से दूर रखें। इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरे चैनल पे है नए हैं वो कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ खड़े घंटी के बटन को भी दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। जी मरियम तो हूँ तुम बोलो फिर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और सड़क की हालत को ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमें ऊपर नीचे झटके भी लग रहे हैं। तो गाड़ी में बैठ के आज हम कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और हमने वली से लिया लिफ्ट, वली जा रहा है जिम, और हम चूँकि उकाड़ा कैंट में रहते हैं और हमें सिटी में जाने के लिए फिर कोई ना कोई लिफ्ट चाहिए होती है, तो वली जिम जा रहा है तो हमने उससे लिफ्ट ली है। और हम क्या करने उकाड़ा जा रहे हैं ये देखने के लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, तो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो जी हम पहुंच गए हैं बाज़ार, और बाज़ार पहुंचने के बाद इस तंग सी गली से गुजरकर हम मैचिंग सेंटर पहुंचे, जहां पे हमने मेरे लहंगे के साथ ये कुछ कपड़ा हमने लेना था वो मैच किया, और उसके बाद हमने दुकानदार के साथ भाव शाव किया, और फिर आखिर हम एक क्रेट पे एग्री हो गए और हमारी शॉपिंग बस यहीं ख़त्म। वो काम तो नहीं हो सका, उसके अलावा हमने बहुत सारे काम कर लिए। तो पता नहीं बाज़ार आते सदिए क्या मसला होता है कि जैसे ही बाज़ार एंटर हो भूख लग जाती है। तो आज पूरा रास्ते जितनी देर मैं बाज़ार रही हूँ मेरा दिल करता रहा कुछ समोसे मुझे मिले और वो मैं खाऊं अच्छे से, समोसा चाट या सी सदफ बना के देती है। तो पूरे बाज़ार मैंने झिरका है, मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर बिरयानी खाने का मेरा बड़ा दिल कर रहा था, तो आखिर हमें एक बिरयानी का नज़र आया है, स्टॉल कह लें या दुकान कह लें या जो भी कह लें। तो हम यहाँ पे पहले बिरयानी चेक करेंगे, एक प्लेट मंगवा के अगर हमें पसंद आई तो फिर हम एक और मंगवाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने ये जो है कूलर रखा हुआ है तो ये फटी के ऊपर और साथ ये कोले रखे हैं, और आपको हमें एक टेस्ट करवाते पानी निकल है ऐसे करें ऐसे। चलो जी फिर हम आपको खा के बताएंगे कि कैसी बिरयानी हमें लगी है। हालांकि हमने कोई इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं की, लेकिन बस फिर भी भूख हमें लग गई है। तो दुआ करें कि बिरयानी अच्छी हो, मजेदार, चखारेदार। फिर बताते हैं हम आपको, तब तक हम पानी पी लेंगे। ओके जी, फिर आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और हम आपको बिरयानी का रिव्यू देंगे। तो जी हमारी बिरयानी गई है आ, तो अम्मी खा के हमें बताती हैं कि कैसी है। अच्छी है, रायता भी साथ लगा के खाओ ना। चलें जी हम बिरयानी खा लें, और साथ में वलीद का फ़ोन भी आ गया है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो हम जल्दी जल्दी बिरयानी से दो हाथ कर लें। आप बिरयानी हमने खा ली है जल्दी जल्दी से, वलीद का फोन भी आ गया था और अच्छी थी बिरयानी। और एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ। ये जो कॉलेज है ना, हाँ। ये उन्होंने हड्डियां डालने के लिए रखे हुए थे, हाँ। तो जो मरियम ने उसमें पानी पानी भी पी सकते हैं, उन्होंने कहा था। उन्होंने ला के दिया है। चलो कोई बात नहीं, साफ ही थे। चलो अब हमने सोचा बिरयानी हमने एक ही प्लेट मंगवाई थी, तो हम वलीद को कहेंगे हमें चिप्स खाओ। आप कुछ और खाते हैं, शॉपिंग कार्ट तक खाना ज्यादा खा के घर में जाएंगे। तो जी यहाँ फूडी से अब हम चिप्स खाने लगे हैं, यहाँ की चिप्स काफ़ी अच्छी होती हैं, और वलीद डाइट कॉन्शियस है और वो चने खा रहे हैं, चने खा रहे हैं। अच्छे हैं वैसे, पोस्ट वर्कआउट में ठीक रहते हैं वेट लूज करने के लिए कि नहीं? आंटी आंटी को क्या पता, आंटी तो मोटी औरत है, और हम तो भाई हैं जिसका ग्रुप, तो हम तो चिप्स खाएंगे क्योंकि हमें पतले होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे YouTube फैमिली को पता है कि मैं मोटी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये तो ऐसे मुझे वलीद कहता रहता है कि मैं मोटी हूँ। आंटी आपकी स्किन लटक रही है। आंटी ये चिन जो है बहुत ज्यादा मोटी है। और आंटी मेरी बात मानने को तैयार है। माय YouTube फैमिली देखे कहाँ से मोटी है मेरी चिन, ऐसे मुझे मजाक करता रहता है वलीद। चलो कोई बात,
चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं। ठीक है, तो चाहिए तो हारे नहीं देना। ओके बेटा, चिप्स आ गई है, मम्मी थोड़ा आगे हो जाओ, आ गई है। और ये क्या हुआ, नहीं अच्छी? मैं चाकर भी नहीं खा सकता। चलो ना खाओ, हमें दे दो, हम तो खाएंगे। थोड़ी सी चख लो, मोटे बंदे का यही हाल होता है। वली थोड़ी सी चख लो। आंटी बेगम ने फरमाइश की थी कि मेरे लिए आते हुए जूस लेके आए, तो अब वलीद आंटी के लिए जूस लेने गया है। और आंटी पीती हैं क्या? आंटी पीती हैं 2 गिलास जूस एट अ टाइम। और वलीद ने कहा कि 2 गिलास जूस नहीं मिलेगा। जो चीज भी होती है ना, आंटी जो है ना उसकी मिकदार का ख्याल नहीं रखती, बस जो काम करने लग जाए उससे फिर दिल खोल के करती। तो अब जी वलीद साहब ने कहा कि एक ही जूस आएगा, अब आंटी को इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप? आपकी नकल उतार रहा हूँ। मेरे अकाउंट में बताना कितने पैसे हैं। नहीं होने। नहीं नहीं, मैंने बीच में खर्च किए हैं ना, मुझे पता चले कितने हैं। अच्छा यार बता देते, बता देते फिर। नहीं अभी बता दो यार, बता दो। सब्र तो कर लो। तंग कर दिया, अभी अभी मैं आया हूँ। और यार ऐसे तो मैं नहीं करती। मैंने एक चीज अपनी तरफ से 9000 की मार। इतने पैसे, 1200 करोने थे मेरे। यार कर लेती हूँ। नो, पहले देखो मैंने कितने कितने निकलवाए हैं। 60,000 में से 9000 बाकी। और मेरी बदनसीबी देखो, जब मैंने पहले उसको किया वो आगे से करती क्या है। ये भी एक्टिंग कर रहा हूं। जी वलीद साहब मेरी नकल उतार के आप फारिग हो चुके हैं, अब मुझे डिटेल दिखा दो। डिटेल ही दिखाऊंगा जनाब आपको, मैंने आपको भेजे किस तरीके थे। मैं भी मैगी पढ़ू, ये मेरे पैसे हैं जो मैं खर्च रही हूँ, आपके पैसे नहीं है। बहुत महंगी पड़ रही, कोई बात नहीं। तो जी YouTube फैमिली हमारे, आप जो है ना ईशा की नमाज पढ़ के खाना शाना खा, खाना तो आपको पता हम वहाँ से बाहर से खा रहे थे, चाय शाय पी के हम फारिग हो गए। और अब अम्मी अपने कमरे में लेटी हैं और मैं जो हूँ ना बीबी दानी बान के सिर पर दुपट्टा ले के पूरे घर में फिर रही हूँ। तो हमारे घर में ना कल आए थे माल्टे, सरगोधा से हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमें माल्टे भेजे थे 4 पेटियाँ। तो जिसमें से है ना 2 पेटियाँ तो वलीद बांट आया था बारो बार ही, और जो 2 पेटियाँ ना वो हमारे घर थी उसमें तो हमने बांट दी। वो मैंने घर में सारे हेल्पर्स वगैरह को बांट दी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये खाली हुई पड़ी है, और जो दूसरी पेटी है ना उसकी भी इब्तदा हो गई है, खुल जा। तो अब ये हमने अपने खाने के लिए रखी है। तो बेसिकली 3 पेटियाँ हमने बांट दी और 1 पेटिया पड़ी हमारे लिए। चीजें बांट के खानी चाहिए ना, खानी चाहिए। तो खाने को तो हम 4 पेटियाँ भी खा सकते थे, लेकिन वो फिर इस तरह बुस्त रख जाती, फिर हम कैसे खाते। और वैसे भी जो है ना इतनी सारी रख के बंदा हलबिस्से के मारों की तरह सारी रख ले, तो बाकी हेल्पर्स वगैरह जो आपके घर में होते हैं ना उनको भी देनी चाहिए। तो इसी बात की, अच्छी सी बात के साथ हम आज का व्लॉग अपना एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपने इसको लाइक कर देना, लाइक। ये जो अंगूठा है ना इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होती। वो सब्सक्राइब भी करें। हाँ, जो नए आए अम्मी मेरी कह रही है वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो बस फिर अल्लाह हाफिज। फोन आ रहा है तो फिर हम, मैं फोन सुन लूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।